जैसे अभी हमने बात की कि बहुत कुछ होने वाला है 2023 में, तो अगर हम जैसे मेंटेनेंस वाली बात भी आपने करी है, बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं जिनमें कुछ तो मेंटेनेंस होना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से स्टेशंस है जिसमें आगे नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवेज मेंटेनेंस करने वाले हैं? जी, ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये इसको हम कहते हैं स्टेशन रीडेवलपमेंट। स्टेशनों का पुनर्विकास हम कर रहे हैं, इसमें काफी मेगा डेवलपमेंटल चेंज हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान में हमने 9 स्टेशंस का चयन किया है जिनको हम मेगा स्केल पर डेवलप करेंगे। और इनमें एक कॉन्सेप्ट जो इसकी जो परिकल्पना है इस पूरे स्टेशन के रिडेवलपमेंट की, उसमें है कि जो आप देखते हैं एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन, आप बाहर जब जाते हैं यूके यूएस या जहां भी जाते हैं, तो वो जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन की जो फील है वो हम यहाँ इंडिया में परिकल्पित करना चाह रहे हैं। और उसी प्रयास में हमने यहाँ के 9 स्टेशन जैसे जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली मारवाड़, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, आबू रोड, इनका हमने चयन किया है। और इन 9 स्टेशनों पर काम ऑलरेडी चल रहा है। 5 स्टेशनों का हमने टेंडर भी अवार्ड कर दिया है। और जैसे मैं जयपुर की बताऊं, 577 करोड़ का टेंडर किया जा रहा है, टेंडर अवार्ड हुआ है। एक बहुत बड़ा मतलब परिकल्पना की जा रही है, जिसमें कि पूरे स्टेशन बिल्डिंग अलग अलग डिफरेंट स्टोरी, 2-3 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, अलग अलग इनके एंट्रेंस पॉइंट होंगे, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेज होंगे, लिफ्ट होंगे, एस्केलेटर होंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग जो होगी वो ग्रीन स्ट्रक्चर पे बनाई जाएगी। क्या मतलब बात ग्रीन है। बिल्डिंग होगी, सारे सोलर पैनल्स पे चलेंगे, और सारी जो तकनीकी सुविधाएं जो आप देखते हैं हाई एंड स्टेशनों पे, जो विदेशों में आप देखते हैं, वो सारी अब इंडिया में परिकल्पित होने वाली है। सो एक बहुत ही मिशन मोड में हम इसको काम कर रहे हैं, और पूरा हमारा प्रयास है कि अगले 2-3 सालों में ये सारे जो चिन्हित किए गए स्टेशन पे काम किया जाए। इसके अलावा भी, ये तो एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट हुए, इसके अलावा भी हमारा पैसेंजर जो सेफ्टी और पैसेंजर के जो कन्वीनियंस की जो चीजें होती है उन पे हम लगातार वर्क करते रहते हैं। और जो जो दूसरे स्टेशन है उन पे भी हम लगातार कार्य करते रहते हैं, ताकि उनको हम सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके। करेक्ट।